आई नो स्टाइल इज सब्जेक्टिव, बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि बूटकट जींस को अवॉइड करो एंड बेटर स्टिक टू योर नॉर्मल वंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेटर दिखेगी। वेल, स्नीकर्स और ड्रेस शूज आप यूजुअली पहनते हुए आ रहे होंगे, बट आज की वीडियो इट्स ऑल अबाउट बूट्स। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर विंटर एसेंशियल्स, वो बूट्स जो आपके विंटर वार्डरोब में जरूर होने चाहिए। कीप ऑन वॉचिंग। बिफोर शोइंग यू द बूट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक बूट खरीदोगे या फिर कोई बूट आप पहनोगे। नंबर वन टिप व्हेन परचेजिंग अ बूट इज दैट इट शुड हैव अ स्लीक सोल। स्लीक सोल मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इफ यू वांट टू ड्रेस अप एन आउटफिट, तो वहां आप इस बूट को इजिली वियर कर सकते हो एज कम्पेयर टू द वन जिसका सोल थोड़ा सा बल्की होगा। नाउ टिप नंबर टू इज टू मेक श्योर दैट योर बूट फिट्स यू राइट। अब बूट के साथ मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपको एक साइज छोटा लेना चाहिए व्हेन परचेजिंग अ बूट, स्पेशली इफ इट्स अ लेदर वन। मैं जनरली स्नीकर्स का यूके 9 वियर करता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू बूट आई प्रेफर यूके 8 क्योंकि वो साइज मुझे अच्छे से फिट होता है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो आपके बूट की लेग ओपनिंग होगी वो बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि उससे आपके लेग्स अलग ही दिखेंगे जब आप जीन्स पहनोगे एंड इट विल मेक देम लुक स्किनी। अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला बूट जो हमारे वार्डरोब में होना चाहिए इज अ क्लासिक लेदर चेल्सी बूट। अब अगर आपके वार्डरोब में ऑलरेडी एक चेल्सी बूट है देन इट्स गुड, बट अगर आप इसको पहली बार खरीद रहे हो देन आई विल एडवाइस यू टू गो फॉर दिस कलर व्हिच इज डार्क ब्राउन, ताकि आप इसको अपने मैक्सिमम ऑप्शंस के साथ पहन पाओ। अब चेल्सी बूट आपको ऑलमोस्ट हर एक रेंज में मिल जाएंगे, बट मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा अगर आप वो ध्यान में रखोगे तो आप कम पैसों में एक अच्छा बूट ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है एक चिजल टो। इट शुड नॉट बी पॉइंटी और ये बहुत ज्यादा राउंड भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ लिटिल एंगुलर लाइक दिस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो चेल्सी बूट के पूरे लुक को बहुत ही एलिवेट करती है। सेकंड थिंग व्हिच यू शुड लुक फॉर इज अ स्लीक सोल। अब आपने बहुत से बूट्स ऐसे भी देखे होंगे जिनका सोल बहुत ज्यादा मोटा होता है और वो स्टाइलिश से ज्यादा मुझे किसी की यूनिफॉर्म ज्यादा लगते हैं। सो बेटर स्टिक टू सम स्लीक सोल लाइक दिस, क्योंकि ये आप एक टाइम को ड्रेसअप भी कर पाओगे अगर आप इस बूट को किसी फॉर्मल अटायर के साथ पहनना चाहते हो। अब बात करते हैं कि आप एक चेल्सी बूट को स्टाइल कैसे करोगे एंड फॉर दैट आई विल बी शोइंग यू सम आउटफिट्स। चेल्सी बूट इज अ परफेक्ट ऑप्शन अगर आप इसको अपनी जीन्स के साथ वेयर करना चाहते हो, या तो आप इसको नॉर्मली एक टी शर्ट के साथ वेयर कर सकते हो और यू कैन पुट ऑन अ शर्ट फॉर अ मोर रिफाइंड लुक। मेरे पास एक स्वेड चेल्सी बूट भी है और ये मैं तब यूज करता हूँ व्हेन आई वांट टू ड्रेस अ लिटिल कैजुअल, क्योंकि स्वेड लेदर होता है वो थोड़ा सा कैजुअल होता है, तो मैं इसको जनरली अपनी टी शर्ट्स या फिर अपनी स्वेट शर्ट्स के साथ वेयर करता हूँ एंड इट लुक्स किलर। वेरी सिंपल आउटफिट इज अ डेनिम पेयर्ड विद अ टी शर्ट एंड लेयर इट विद अ बॉम्बर एंड यू आर गुड टू गो। तो अगर आपको अपने विंटर वार्डरोब में कोई शू ऐड करना है देन यू शुड स्टार्ट विद दिस वन। द फर्स्ट बूट शुड बी अ लेदर वन। मैं इसका Amazon लिंक नीचे जरूर डालूंगा। ये मैंने शायद 8000 के आसपास का लिया था, बट राइट नाउ इट्स हैविंग अ मैसिव डिस्काउंट बिकॉज ऑफ मेगा सेल ऑन Amazon। तो जाओ चेक करो एंड मेक श्योर यू गेट दिस फॉर योरसेल्फ। जब आपके वार्डरोब में एक लेदर बूट होगा तो उसके बाद आप एक स्वेड लेदर बूट ऐड कर सकते हो फॉर योर कैजुअल आउटफिट्स टू गिव इट अ चेंज। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बूट के व्हिच इज अ डेजर्ट बूट। इस शू में आपको एक लेसिंग सिस्टम मिलेगा, ये चेल्सी की तरह स्लिप ऑन नहीं होगा और ये भी आपको स्वेड और लेदर दोनों में मिल जाएगा। आई गॉट दिस शू फ्रॉम Amazon एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। मैं चाहता तो इसको लेदर में भी ले सकता था, बट मेरे पास ऑलरेडी एक लेदर चेल्सी बूट हो चुका था, सो आई डिसाइडेड टू गो विद अ ग्रे स्वेड बूट। डेजर्ट बूट इज अ ग्रेट ऑप्शन इफ यू वांट टू यूज इट लाइक डेली। आप इसको चीनोस के साथ वेयर करना चाहते हो और यू वांट टू वेयर डेनिम्स, जस्ट पेयर दिस थिंग विद अ टी-शर्ट लेयर्ड अगेन विद अ जैकेट एंड इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट फॉल आउटफिट ऑफ योर्स। अगर आप चाहो तो आप इस शू को अपनी फॉर्मल अटायर के साथ भी पेयर कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास एक लेदर बूट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ स्वेड वन। आपको डेजर्ट बूट खरीदते हुए भी वही सेम चीजें फॉलो करनी है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, ताकि आपको कम पैसों में एक अच्छा डेजर्ट बूट मिल जाए। और अगर आपको ये बूट पसंद आया तो आपको इसका लिंक नीचे जरूर मिल जाएगा इफ यू वांट टू गेट दिस फॉर योरसेल्फ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दो बूट वहां पर और डाल दूं, मे बी ब्राउन और मे बी टैन, ताकि आपके पास दो तीन ऑप्शंस हो पिक करने के लिए। एक चीज मैं और भी क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बूट्स हमेशा बूटकट जींस के साथ पहने जाते हैं देन आई मस्ट टेल यू दैट बूटकट एक बहुत ही ओल्ड फैशन है और मुझे नहीं लगता कि बूटकट जीन्स उतनी अच्छी लगती है जितनी आपकी स्लिम फिट जीन्स बूट्स के साथ अच्छी लगेगी। आई नो स्टाइल इज सब्जेक्टिव, बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि बूटकट जीन्स को अवॉइड करो एंड बेटर स्टिक टू योर नॉर्मल वंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेटर दिखेगी। प्लस इट्स अ बिग नो अगर आप 5'10" के नीचे हो, क्योंकि बूटकट जीन्स आपके अपीयरेंस को और भी छोटा लुक देगी। तो इसे आप एक एक्स्ट्रा टिप समझ सकते हो कि जब भी आप बूट पहनोगे मेक श्योर यू वियर योर नॉर्मल स्लिम फिट जीन्स विद इट। Your boot should have a sleek sole और जब भी आप boot पहनोगे make sure you wear long socks. And that's all for this video. In case you liked it and you found it helpful, give it a thumbs up. Also मेरी last video पर एक बंदे ने comment किया था कि make a video on budget formal Oxford shoes. So let me know in the comment box if you want to watch this video. I'll be waiting for your response. Till then, you stay tuned. See you soon.
Also, make sure you check out the description box in case you want to purchase any of the boots which I have showed today. That's it. Goodbye.